आर्टिस्ट होना अलग बात है पॉपुलर होना अलग बात है और पॉपुलैरिटी को संभालना एक अलग ही बात है ये हर किसी के बस की चीज नहीं हाल ही में हमने देखा कि कैसे उदित नारायण जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन गाने गाए और कभी भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे उनके बेटे आदित्य नारायण ने एक कॉन्सर्ट के दौरान ऐसी हरकत कर दी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए आदित्य नारायण ने हाल ही में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था वो डॉन फिल्म का आज की रात ये गाना गा रहे थे उसी दौरान आदित्य को पता नहीं क्या होता है वो स्टेज के साइड में खड़े एक लड़के को पहले सिर पर माइक से मारते हैं उसके बाद उसका फोन छीन फेंक देते हैं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आदित्य नारायण को ट्रोल किया अपने पिता जितना बड़ा वो सिंगर भी नहीं बना है इतने गाने भी नहीं गाए हैं और एटीट्यूड इतना किस बात का लोगों ने सीधे सीधे आदित्य नारायण से ये बात पूछी लेकिन आदित्य नारायण भी बड़े सिंगर के बेटे हैं स्टार है उन्होंने भी अपने एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने कामों के लिए लोगों को जवाब दे नहीं हूँ मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता नो no कमेंट्स कहकर आदित्य ने तो इस पूरी कंट्रोवर्सी से पल्ला झाड़ दिया लेकिन जब बात आई इवेंट ऑर्गेनाइजर की तो वो पूरी सफाई देते नजर आया और कहता नजर आया कि आदित्य नारायण ने कॉन्सर्ट के दौरान 200 लड़कों के साथ सेल्फी क्लिक की होगी लेकिन उसके बावजूद ये लड़का पीछे पड़ा रहा इवेंट ऑर्गेनाइजर ने बताया कि ये लड़का बार बार आदित्य नारायण को ना सिर्फ सेल्फी के लिए बोलकर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था बल्कि बीच कॉन्सर्ट में वो आदित्य नारायण के पैर पर बार बार मार भी रहा था आदित्य ने बहुत देर इग्नोर किया लेकिन फाइनली जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आदित्य को गुस्सा आ गया इवेंट ऑर्गेनाइजर ने यह भी बताया कि ये लड़का उस कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं था जिस कॉलेज में कॉन्सर्ट हुआ था वेल well, जो बात आई थी ये अब तक इवेंट ऑर्गेनाइजर और आदित्य नारायण की तरफ से आई थी अब वो स्टूडेंट जिसके साथ ये हरकत हुई जिसका फोन फेंका गया वो सामने आया है और उसने बताई है कि असलियत में उस दिन हुआ क्या था लवेश चंद्रवंशी है और लवेश चंद्रवंशी उसी कॉलेज का बी का स्टूडेंट है यानी कि आदित्य नारायण के मैनेजर ने झूठ बोला था स्टूडेंट ने बताया कि वो आदित्य नारायण के कॉन्सर्ट का हिस्सा बना था एक फैन था आदित्य नारायण का इसी तौर पर इस कॉन्सर्ट में गया और स्टेज के राइट साइड पर वो खड़ा हुआ था आदित्य नारायण जैसे ही स्टेज पर आगे आते कुछ स्टूडेंट्स फोन ऊपर करते आदित्य वो फोन लेते और सभी के साथ सेल्फी क्लिक करते ऐसा वो बार बार कर रहे थे तब लवेश ने भी अपना फोन ऊपर किया लेकिन आदित्य नारायण को उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने लवेश को सिर पर मारा और फोन ही फेंक दिया लवेश ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है कि मैं बार बार उनके पैर पर फोन से मार रहा मार रहा रहा था था या उन्हें बिल्कुल गलत है मैंने पहली बार अपना फोन ऊपर किया था और तभी आदित्य नारायण ने यह हरकत कर दी लवेश ने कहा कि पहले मैं आदित्य नारायण का फैन हुआ करता था लेकिन अब इसे कौन पसंद करेगा इतना बड़ा स्टार भी नहीं और एटीट्यूड इतना ज्यादा तो मैं अब इसके कॉन्सर्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा जब लवेश से पूछा गया कि क्या वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे तो उनका कहना है कि वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहते हैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं साथ ही उन्हें कंप्लेन करने से डर लगता है क्योंकि इधर आदित्य नारायण है उनके पिता काफी पावरफुल है ऐसे में लवेश इस बात को तूल नहीं देना चाहता है इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेगा हालांकि लवेश का कहना है कि जो भी कहानी आदित्य नारायण के मैनेजर ने बताई है वो झूठी है उन्होंने आदित्य को ज़रा भी नहीं टच किया और ना ही मारा